वेलकम टू ब्लाइंड टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब कीजिए ब्लाइंड टेक पाकिस्तान, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए। वीडियोस को लाइक शेयर और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। ब्लाइंड टेक पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। मुहम्मद अली 03061629926। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड टेक पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद अली। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई अपडेट के बारे में, और वो अपडेट है व्हाट्सएप की, जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये अपडेट ख़ास तौर पर ब्लाइंड लोगों के लिए है। ये अपडेट साइटेड पर्संस के लिए तो पहले से मौजूद थी, लेकिन व्हाट्सएप ने रिसेंटली ही ब्लाइंड के लिए भी इसको जो है फ़ायदा मंद बना दिया है। तो वो अपडेट क्या है, वो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो इसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो अब हमें सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप ओपन करनी है। WhatsApp. मैंने व्हाट्सएप को लॉक किया हुआ था, तो लॉक ओपन किया। स्टेटस ब्लाइंड टेक पैकेट नोरेज 226 PM। तो यहाँ पे हमें Message, कोई भी चैट आउट ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करनी होगी, और जो कि मैंने सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे प्ले बटन पे अब मैंने क्लिक करना है, क्लिक किया। अस्सलाम वालेकुम अली, सुनाइए कैसे हैं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। देखिए हुआ क्या, जैसे ही मैंने प्ले पे क्लिक किया, तो पहला जो मैसेज जिस पे मैंने प्ले पे क्लिक किया था वो मैसेज चल गया, ठीक है, वो प्ले हो गया। अब उसके बाद जो है इसके अलावा आगे जितने भी ये तीन मैसेज इसके अलावा थे, वो खुद ब खुद ही प्ले हो गए। यानी कि इस अपडेट में व्हाट्सएप ने ऑटो प्ले का ऑप्शन दे दिया, वो इस मैसेज ऑटो प्ले, अब एक मैसेज को प्ले किया, अब आगे अगले जो हैं वो खुद ही प्ले होने लग गए। तो एक बात याद रहे कि ये जो प्ले है ना, यानी कि अगर मैंने पहला मैसेज जो है वो प्ले किया, ठीक है, अगले वाले प्ले होते रहे, लेकिन दरमियान में अगर कोई टेक्स्ट आ गया, ठीक है, तो या कोई और चीज़ आ गई, यानी कि कोई APK है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, ठीक है, वो आ गई, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो उसकी लास्ट दफ़ा जो उसकी बेल है वही बजेगी। तो आपने एक और भी चीज़ नोट की होगी कि जब पहले मैंने मैसेज को प्ले किया तो उस वक्त बेल और थी, लेकिन जो लास्ट मैसेज है उसकी बेल और थी, ठीक है, यानी कि उसने अब लास्ट पे बेल चेंज करके इशारा दे दिया कि आपका आखिरी मैसेज था, ठीक है, जब कोई APK या कोई टेक्स्ट आ जाएगा दरमियान में तब भी ऐसा ही करेगा ये। तो जिन लोगों के पास अभी तक ये अपडेट नहीं आई, या जिन्होंने व्हाट्सएप को अपडेट किया लेकिन फिर भी उनके पास ये अपडेट नहीं आई, तो इसके लिए वो परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जो 10 एंड्रॉयड 10 या 10 से अबव होते हैं उनके लिए पहले व्हाट्सएप अपडेट आ जाती है, ठीक है, बाद में जो दूसरे होते हैं लोअर होते हैं इनके लिए बाद में आ जाती होती है। ऐसा पहले हुआ था जब ये मैसेज की स्पीड बढ़ाने वाला जो आया था, वो इस मैसेज को तेज़ करके सुनने वाला जो फीचर आया था, उसमें पहले हुआ था कि जो एंड्रॉयड 10 या 10 से अबव थे उनके लिए पहले आ गया, और उसके बाद ये है एंड्रॉयड 9, 8, 7, 6 इनके लिए बाद में आया था। तो इनके लिए भी अब मैसेज ये इनके लिए भी अब इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम
तक के लिए अल्लाह हाफिज़।